superhero. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं हूँ सेला कुएं पे। जो सेला कुएं जो है वो है देहरादून से लगभग 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस अगर आप घंटा घर से आते हो तो। सेला कुएं जो है एक नगर निगम है जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और सेला कुएं जो है पूरी तरीके से जो है इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर जो है सिडकुल है और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो भी एक प्रकार का अनप्लान ट्रिप ही है। तो हम लोग सेला कुएं से जा रहे हैं आसन बैराज जो कि लगभग 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सेला कुएं से। और आसन बैराज के बाद हम लोग का प्लान है डाक पत्थर जाने का। तो डाक पत्थर के बाद हम लोग जाएंगे पौंटा साहिब अगर हमें टाइम मिला तो। तो आज का ब्लॉग है पूरा अनप्लान्ड है। पहले तो हम आसन बैराज जाएंगे, उसके बाद कहाँ प्लान करेंगे वो हम आपको वीडियो दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। जो डाक पत्थर है वो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट पे आता है, कालसी जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट पे आता है, और जो है ये आसन बैराज है ये जो है आता है हिमाचल प्रदेश में। तो आज का जो ट्रिप है वो है उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश भी हम लोग घूमने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बस यही आसन बैराज है जिसको हम घूमेंगे, ये पीछे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे हम ट्रिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो बना रहे हैं हम अपने दोस्त के साथ समर्थ भाई। क्या हाल है भाई? तो बता भाई आसन बैराज के बारे में कुछ। ये जो सामने जो ये बना रहा है, जो ये बना हुआ है ब्रिज, ये 1947 का है। अच्छा, 1947 मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम का। तो यहाँ पे जो है ये जो नदी है, जो नदी है बह रही है, नदी का पानी है ये है यमुना नदी, तो उसका पानी है ये। तो बैराज अगर टूट गया था, ये है बैराज। तो इस बैराज के पानी से क्या मतलब क्या चीज़ें की जाती है? बिजली उत्पादन किया था? हाँ, पे ये पानी घूमने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे। और यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ का लोकेशन बहुत प्यारी है। आसन बैराज उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। बैराज आसपास के क्षेत्रों के साथ भारत के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए एक पर्यटक स्थल है। आसन बैराज 287 मीटर लंबा तथा सी लेवल से 389 मीटर न्यूनतम तथा अधिकतम जल स्तर लगभग 402 मीटर है। आसन बैराज उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर डाक पत्थर के पास स्थित है। यह आसन नदी और नॉर्थ में यमुना नहर के संगम पर स्थित एक छोटा बैराज है। बैराज बिजली उत्पादन के लिए जलाशय के रूप में कार्य करता है। जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे हमें चकोतरा खा रहे हैं, जैसे पहाड़ी में नींबू सान के खाते हैं तो वैसे ही यहाँ पे चकोतरा थोड़ा सा सान के उसको जो है थोड़ा विटामिन सी मिल जाएगा। तो उसके बाद हमारा प्लान है वैसे तो डाक पत्थर का, लेकिन यहाँ से जो है पौंटा साहिब भी बहुत नज़दीक है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग पौंटा साहिब जा सकते हैं। देखो अभी डाक पत्थर जाएँ या फिर पौंटा साहिब। तो इससे पहले हम लोग बोटिंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग। ये है चकोतरा बनाने वाला। ये भाई चकोतरा, यहाँ पे आ जाओ। ये लाल लाल है यार, मैं पहली बार खा रहा है इसको चकोतरे को। अब ऐसे मत बोलना भाई कि
ये इसका सोवा है, सोवा नहीं क्या लगा था पिछले और एक ही खा रहे भाई, कड़वा हो गया थोड़ा सा। नींबू जैसा ही है, चेक होता है बट काफ़ी यम्मी है यार। ये रेड कलर का क्यों है, रेड कलर जाला है ऐसा? ऐसे कलर है भाई जो यहाँ पे होता है ना, ऐसे कलर का होता है। ये तो तभी रेड कम है, हमारे वहाँ पर होता है वो इससे ज़्यादा रेड। भाई फिर से स्टार्ट हो गई, देखो तूने ही याद दिलाया ऐसा बना। एक बार खाने के बाद ये तीसरा वाला है, देखो यार बहुत टेस्टी है, टेस्टी तो है। आप नहीं खा रहे हो? नहीं नहीं खाएंगे, तो खा जाएंगे कितने। वैसे हम लोग एक ही पीस खाएंगे, दूसरा पीस खाते हुए खत्म हो जाएगा। ये टेस्टी है, ये टेस्टी है उससे। तो जा रहे हैं वोटिंग करने, ये तो वोटिंग करेंगे। और इससे पहले कभी वोटिंग किया यहाँ पे? ना यार नैनीताल में किया, कभी नहीं किया मेरा, नैनीताल में भी नहीं किया, जिंदगी में पहली बार। अरे तो यहाँ पे जो है वोटिंग जो है वो जनरली जो है वो पैडल वाली है, तो जनरली इसमें चार लोगों की जरूरत होती है, बट हम तीन लोग मैनेज करेंगे उस वोट को। तो देखते हैं, मैंने तो काफ़ी टाइम वोटिंग किया है, 7 ताल पे, नौकुचिया ताल पे और जो है नैनीताल पे, तो यहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, लगभग 1-2 साल बाद नहीं किया है, लेकिन मैंने 2 साल पहले किया था। मैंने कभी नहीं किया, मेरा लाइफ में पहली बार है। तो चलिए ये एडवेंचर करते हैं, और उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? पोंटा साहिब नहीं, इसके बाद जाएंगे हम डाक पत्थर। डाक पत्थर जाएंगे, वो भी एक प्रकार का बैराज ही है, रिजॉर्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से हम बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जो अंदर रिजॉर्ट तक आने का जो व्यू देखने का या फिर यहाँ पे आप घूम सकते हो उसका टिकट है लगभग 20 रुपये पर पर्सन। तो लोकेशन बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ पे रिजॉर्ट बना है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स है जो बोल रहा था ना तू, हाँ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ की जो है यहाँ पे बर्ड्स हैं, न्यूजीलैंड की और कहाँ कहाँ की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये जो बर्ड्स हैं ये हर साल नवंबर दिसंबर टाइम पे यहाँ पे आती है और 1 से 2 महीना रह के फिर अपना तो चल जाते हैं वापस। तो इस पार्क में आने का जो है जनरली कॉस्ट जो है वो है 20 रुपये। तो 20 रुपये में आप जो है पूरा रिजॉर्ट घूम सकते हो, यहाँ से जो है पूरे पेड़ वगैरह हैं और अच्छे रिजॉर्ट हैं, और यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की बर्ड्स आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे डैम का जो पानी है यहाँ पे जो है जनरली बोटिंग कर सकते हो, क्योंकि हम बोटिंग करने वाले वही चीज़ है। और क्या है, और पीछे क्या है? ये पीछे तो रिसोर्ट बने हैं, पता नहीं क्या है, ये एक रिसोर्ट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे तो होटल है, अगर रात को आपको नाइट स्पेंड करनी है तो 2800 चार्जेस है, 2800 चार्जेस फुल कैपेसिटी है। 300 रुपये की बहुत ही महंगी टिकट खरीद रहा है भाई। दिल पे पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रख के बहुत बड़ा होया। टिकट मिल चुकी है? नहीं नहीं टिकट मिलते थे। सो हाउ मच एक्साइटेड यू आर? बहुत एक्साइटेड। ये तो बहुत एक्साइट होगा, पहली बार कर रहा है। नॉर्मल नॉर्मल हाउ चलो बोटिंग। चलो भाई तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइफ जैकेट पहननी पड़ेगी पहले, यहाँ कोई है ही नहीं, क्या खुद ही करना पड़ेगा? कोई है भी तो नहीं गाइड करना। चलो भाई, भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि इसको इस क्या होता है। नहीं इसको तो पूछ सकता है, कूदेगा तो ऊपर ही रहेगा, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? ये पंपिंग रहेगा ना, आप ऊपर रह सकते हैं। हाँ। ये यहाँ पे तैरना भी है, गर्मी होती तो हम सोचते तैर सकते थे। तैरने का पूरा पूरा मन है, किंतु तैरने का मन है उसकी वजह से तो हम आज रिवर राफ्टिंग का क्रॉस किया। यार ये पहन के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जिसमें मिस्टर ओलंपिया बन गया हूं। मिस्टर ओलंपिया मोटे मोटे मिस्टर ओलंपिया नहीं, एक्चुअली ऐसे मुझे ऐसी फीलिंग, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम जंग पे जा रहे। ये हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन चुके हैं, चलते हैं हम।
क्योंकि नैनीताल में तो थोड़ा सा यार मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ बोटिंग में और मैं झेल लग रहा है, फील नहीं आ रहा है बैठने वाला क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और क्या धीरे 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 ज्यादा बड़ा नहीं है बैराज, नैनीताल में थोड़ा सा ठंड लगती है तो फील होता है कि चलो यार और एक लाइफ जैकेट इससे और गर्मी बढ़ गई और गर्मी लग रही है यार। मन तो कर रहा है गिरने का नीचे बट जैकेट ऐसा लग रहा है किसी मिशन पे जा रहे हैं ठीक है और ये लाइफ जैकेट नहीं है बुलेट प्रूफ जैकेट से हमारी घूमने का फर्स्ट समय आ गया। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इन लोगों ने जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे कुछ धागा जैसा लगा रखा है, रस्सी लगा रखी है, इससे आगे जो है जा नहीं सकते इतना ही जो है 300 रुपये बहुत ही महंगा है। अगर मैं बोलूंगा कि अगर आप यहाँ पे आओ तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप ये ना ही करें तो अच्छा है। वैसे आप घूमो फिरो मजा घूम सकते हो, घूमने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, रिजॉर्ट में रहने का अच्छा है लेकिन बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। पैडल अकेला ही मार रहे, देखो अभी ये 10 दिन बाद हम पहुँचेंगे वहाँ पे तो मिलते हैं 10 दिन बाद। बेकार एक्सपीरियंस, जो बोर्ड जो है वो चल ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा पैडल मारने के बाद चल रही है। हाँ कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा इसने नहीं लगा क्योंकि सबका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि बैराज में जो है स्पेस बहुत कम था, मतलब जो पानी था वो स्पेस बहुत कम था तो ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते थे और पैडल जो है बहुत तेज़ मारने के बाद जो है आगे बढ़ रहा था तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो आसन बैराज है यहाँ पे जो है बोटिंग होती है तो उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है। तो आसन बैराज जो है ये हिमाचल के लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं तो ये जो है हिमाचल और उत्तराखंड का जो है बॉर्डर है एक्चुअली, तो यहाँ पे लोग आपको उत्तराखंड के भी मिल जाएंगे और जो है हिमाचल के भी मिल जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट ट्रिप हम लोग चल रहे हैं, देखो किधर जाते हैं। कितने समय की? तो अभी हम लोग निकल रहे हैं डाक पत्थर की ओर, तो लोग जाएंगे डाक पत्थर में भी एक बहुत बड़ा बैराज है और वहाँ पे भी जनरली जो है नदी है, तो कौन सी नदी है वहाँ पे? यमुना नदी है। यमुना नदी है तो डाक पत्थर जाएंगे, डाक पत्थर जो कि नॉन प्लेस है मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी है तो वहाँ जाके उसके बारे में बताते हैं और आपको लोकेशन दिखाते हैं। तो अभी हम लोग जो है पहुंचने वाले हैं डाक पत्थर, 5 किलोमीटर बचा हुआ है तो भाई गाना गा रहा था, गाना गाया। लोकेशन बड़ी तगड़ी है यार ये। सर फाइनली पहुंच चुके हैं तो अब लोग हम लोग को थोड़ा भूख लग गई है तो अब लोग हम खाएंगे भेलपूरी। तो भाई हम तो खाएंगे एक प्लेट, भाई खाएगा बहुत ज़्यादा प्लेट। नहीं यार भाई ने भाई पूछा 10-20-50 तो वो पूरा पूछ रहा है कि कितने का देगा, पूरा कितने का देगा। हम लोग वो बोल रहा है, वो इनको ये देख के नहीं बोला कि कितनी प्लेट चाहिए, बोल रहा है तुम बताओ कितना पूरा हम दे। तो यहाँ पे देख सकते हो क्राउड है बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फेमस जगह है तो इस वजह से जो है यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है और ऊपर से संडे भी है तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी शॉप हैं, यहाँ पे खाना भी खा सकते हो, फन कर सकते हो। और हम लोग अभी बैराज जाएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे जितना हमको पता है। भाई की पानीपुरी भाई ये तो बहुत कम हो जाएगी यार हमारे दोस्त के लिए, तो ये तो एक ही दोस्त खा लेता हमारा, बहुत कम नहीं हो जाएगी भाई तेरे लिए? ज़्यादा है भाई, 8 किलोमीटर ज़्यादा ये तो थोड़ा सा ही है। कितने का दे रहे? 30 रुपये का, 7 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। ये देखो कितनी खतरनाक तरीके से वेट करे, देखो भूख दिख रही है साफ चेहरे पे देखो। भाई उसको थैली में भी कम पड़ेगा, तुम अभी बनाना स्टार्ट कर दो।
कमी थोड़ी है, कमी नहीं है ना। कितना है तुम्हारे पास? कितना मसाला है बताओ? अरे यार तुम करवा दे सारा मूड की बात है। अभी देखो एक खाएगा ना उसके बाद देखो। तो अभी हमारा जो है भेलपुरी आ चुका है। कैसा हो रहा है? बढ़िया। तो ये है यहाँ का एंट्री गेट। तीन लोग। तो ये है यहाँ ये जो है यहाँ का, यहाँ पे जो है गार्डन टाइप बना हुआ है बहुत अच्छा, जिसमें आप जो है बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो। अभी यहाँ पे लोकेशन है, हम अभी जाएंगे बैराज पे, जहाँ पे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती है, एक्चुअली क्यों फेमस है वो डाक पत्थर, कितना पुराना है बैराज और क्या क्या उससे जो है बेनिफिट्स है जनरली, तो वो दिखाएंगे हम आपको। तो यहाँ पे जो है संडे है तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो यहाँ पे जो है ये छोटा सा जू भी है। यहाँ पे देख सकते हो ये हैं, क्या है, बतख कुछ, ये है कुछ बाहर छोड़ी हुई है। हाँ ये वाले बड़े वाले हैं क्या? क्या है बतख को देख के याद आया, लड़कियाँ भी बतख की तरह होती हैं। हाँ पानी में देखा होगा बतख ऊपर से बिल्कुल शांत और अंदर पैर मार रही होती है। लड़कियों को सब चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, पैर मार रही होते हैं लेकिन ऊपर से ना समझ की तरह बतख की तरह दिखा रही होती है। क्या बात है, डायलॉग यार भाई का एक्सपीरियंस। बतख को देख के याद आ गया। तो यहाँ पे जनरली जो है आप पिकनिक मनाने भी आ सकते हो, गर्लफ्रेंड को भी लेके आ सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको अगर खाना बनाना है, जैसे आपको रोस्टेड चिकन वगैरह बनाना है, आप बारबेक्यू लेके भी यहाँ पे आ सकते हो और खाना बना सकते हो। क्या बोले? तीनों तक। बट लोकेशन बहुत अच्छा है, आप पिकनिक मना सकते हो यहाँ पे, खाना लेके आ सकते हो, दिन में एंजॉय कर सकते हो, इस तरीके का फैमिली के साथ भी आ सकते हो, गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं है। हम तो देखो दोस्तों के साथ आए भाई, जैसे हम देखो तो, बट यहाँ देखने से दिल पे लगता है भाई। ये बहुत कम से कम 700-800 साल पुराना पेड़ है, हवा खतरनाक दे रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधे ही चलने वाले हैं डाक पत्थर की मेन जगह बैराज। डाक पत्थर बैराज है जो यमुना नदी उसके नीचे से ही निकलती है, और वहाँ पे दिखाते हैं आपको। डाक पत्थर इज़ ए स्मॉल हिल टाउन सिचुएटेड इन द देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट इज़ ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द यमुना रिवर एंड 45 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ देहरादून। डाक पत्थर लाइज अबाउट 79 मीटर्स अबव सी लेवल एट द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। इट इज़ द लोकेशन ऑफ द डाक पत्थर बैराज विच फॉर्म्स अ रिजर्वियर अलोंग द टाउन दैट इज पॉपुलर फॉर रिक्रिएशन। द डैम इटसेल्फ इज 580 मीटर लॉन्ग एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर यमुना एंड रिवर टर्न्स एट द कोटरी। इट सर्व्स टू डाइवर्ट वाटर into the East Yamuna Canal for hydroelectric power production at the Dokhrani and Dholipur power plants. ये है सोलर पैनल जिसका यूज करके हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। तो अभी हम लोग हैं जो है पत्थर बैराज के पास पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस साइड से अगर मैं वीडियो दिखाऊंगा तो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि सनलाइट जो है वहाँ से आ रहा है। तो ये जो बैराज है ये जो है 1949 में ही बन चुका था, जिस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनने ही जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये बहुत ही पुराना डैम है और लोकेशन बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पे पुरानी मूवीज़ की बहुत ज़्यादा शूटिंग हुई है, यहाँ पे पुराने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना के ज़माने की बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पे शूट किया है, शूटिंग हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा बोला जाता है इन लोगों का। तो लोकेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे की वैरायटी की स्पीसीज हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली आज हम लोगों को यहाँ पे। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं सीधे ही देहरादून की ओर। तो ये देहरादून से डाक पत्थर जो है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, सेलाकुई साइड में, सेलाकुई से लगभग 20-25 किलोमीटर पड़ेगा ये। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।